रेवाड़ी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। असंतुलित कार रोडवेज की बस से टकराई, जहां जयपुर से दिल्ली बस जा रही थी, इसी दौरान टक्कर मारी गई। बता दें कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जहां 2 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे साल्हाबाद कट का मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रेवाड़ी से, जहां पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। असंतुलित कार रोडवेज की बस से टकराई, जहां जयपुर से दिल्ली बस जा रही थी और उसी दौरान टक्कर हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, तो वही 2 दर्जन यात्री घायल भी हो गए हैं। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है, ट्रामा सेंटर उन्हें भेजा गया है। जहां दिल्ली जयपुर हाईवे साल्हाबाद कट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि असंतुलित कार रोडवेज की बस से टकराई और जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता पंकज कुमार जुड़ गए हैं। पंकज, रेवाड़ी से मामला सामने आ रहा है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है, विस्तार से जानकारी दीजिए कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और किसकी लापरवाही से हुआ है। जी मैडम, मैं आपको बता दूं, आज रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक दिल्ली की तरफ से आ रही गाड़ी, वो जयपुर की तरफ जा रही थी, और दूसरी तरफ एक सोनीपत और जयपुर की बस थी, जो जयपुर से आकर सोनीपत जा रही थी। सामने से बरेजा कार का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो दूसरी तरफ आ गिरी बरेजा कार, जिसमें कार में 5 लोग सवार थे और 5 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें से 4 लोग मरने वाले एक ही गांव के थे और एक अन्य गांव का था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर और जांच शुरू कर दी, जहाँ साथ ही जो रोडवेज बस के अंदर जो सवारियां थी उनको भी चोट लगी है, जहाँ 2 दर्जन से अधिक सवारियां को रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भी भर्ती कराया गया है इलाज को लेकर। तो देखा जाए तो यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं, उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? जी मैडम, इनकी स्थिति ठीक है, अभी इनका इलाज चल रहा है रेवाड़ी के नागरिक हॉस्पिटल में और डॉक्टरों की देखरेख के अंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।